जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के धड़कई गांव की बोलने सुनने से लाचार तीन बहनें 24 साल की रेशमा बांडो, 22 साल की परवीन कौसर और 20 साल की सायरा खातून पहली बार वोट डालने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। पहली बार वोट डालने वाली बहनें औरों को वोट डालने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। जब भी हम इधर आते हैं या कोई बंदा भी इधर आता है तो उन सबको ही अपनी पर्चियां दिखाते हैं, अपना इलेक्शन आईडी कार्ड दिखाते हैं कि कल हमने अपनी पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट कास्ट करना है और इनका पहला वोट है जो अभी नया लिस्ट में चढ़ा है, तो ये उसको कास्ट करने के लिए बड़ा जज्बा रखती हैं और सबको अवेयर करती हैं, सबको इंस्पायर करती हैं कि कल 19 तारीख को अपना अपना वोट अपनी पोलिंग बूथ पर जाकर डालें। यहाँ पे 84 डीफ एंड डम हैं और उनके दिल में यानी कि बहुत ज़्यादा शौक है उनको वोट डालने का, और आवाम को भी समझाते हैं कि नीचे आपको अपना वोट जाके सुबह अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके अपना वोट कास्ट करना है और अपना जो वोट का हक है वो अदा करना है। बोलने सुनने से लाचार होने के बावजूद भारत के मूक गांव की तीनों बहनें वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने के बाद से वोट देने का बेताबी से इंतजार कर रही हैं। कभी एक दिन एक कपड़ा लाती है, दूसरे दूसरा लाती है, कहते हैं हमने इलेक्शन देने के लिए जाना है, एक दिन कार्ड देखती हैं और पर्चियां देती हैं, जो पर्चियां हमें इतने हमारे डीएलओ साहब ने देखी रोज की, वो देखती हैं कि कब वो वक्त आए कि हम इलेक्शन पर जाएं और वोट दें, लेकिन कहती हैं कि हमारा वोट ज़ाया ना होना चाहिए, अच्छी तरह से हमने वोट देना है, हमारे साथ चलना है, हमें दिखाना है कहाँ हमने वोट देना है, किसको देना है, तो बहुत जोश में रहती है हमेशा, 15-16 दिन से यही काम है इनका। भद्रवाह से करीब 105 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर बसे आदिवासी गांव में 105 परिवार रहते हैं। इनमें 55 परिवारों में कम एक शख्स बोलने सुनने से लाचार है। डोडा उधमपुर सीट में पड़ता है। यहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित 12 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग हो रही है।